इन दोनों चित्रों को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश दे रहा है या फिर इन दोनों का प्रकाश एक समान है? लगभग 5 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए कि आपके अनुसार कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज चमक रहा है। तो पहली नज़र में तो यह लग रहा है कि बायां वाला बल्ब अधिक चमक रहा है ना? लेकिन वास्तव में दोनों बल्बों की चमक एक जैसी है, दोनों एक समान प्रकाश दे रहे हैं। फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बायां वाला बल्ब दाएं वाले बल्ब की तुलना में अधिक चमक रहा है? इसका कारण प्रकाश स्रोत के आसपास के वातावरण में मौजूद प्रकाश की मात्रा है। एक ही प्रकाश स्रोत हमें कम रोशनी वाले वातावरण में अधिक चमकीला दिखाई देता है, जैसे यहाँ दाएं चित्र में है। इस चित्र में जो कमरा है उसमें थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा कम रोशनी है, क्योंकि इसमें बाहर से सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। लेकिन बाएं वाले चित्र में जो कमरा है उसमें बाहर से पर्याप्त रोशनी आ रही है, इसलिए इसमें प्रकाश स्रोत यानी कि बल्ब उतना अधिक चमकीला नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि पहले चित्र में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है, हम वास्तव में अपने संवेदी अंगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हमारी आँखों की पुतलियाँ प्रत्येक कमरे में उपस्थित प्रकाश की मात्रा के अनुसार छोटी या बड़ी हो जाती हैं, अपना आकार बदल लेती हैं और इस प्रकार वे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। इसीलिए प्रकाश स्रोत की चमक के बारे में हमारी संवेदना उस प्रकाश स्रोत के आसपास के वातावरण में मौजूद प्रकाश के सापेक्ष होती है। चूँकि पहले चित्र में यानी बाएं वाले चित्र में प्रकाश स्रोत या बल्ब के आसपास वातावरण में बहुत कम प्रकाश है, इसमें थोड़ा अंधेरा है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बल्ब तेज चमक रहा है। इसके विपरीत दूसरे चित्र में कमरे में पर्याप्त रोशनी है, क्योंकि कमरे में बाहर से काफ़ी रोशनी आ रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि बल्ब कम चमक रहा है यानी कम रोशनी दे रहा है। लेकिन वास्तव में दोनों बल्बों की चमक एक समान है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी आँखों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मेरे पास पानी से भरे हुए 3 गिलास हैं। बाईं ओर के गिलास में ठंडा पानी है, आप इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी देख सकते हैं। इसी प्रकार दाईं ओर के गिलास में गर्म पानी है, जबकि बीच वाले गिलास में कमरे के तापमान वाला सामान्य पानी है। अब मैं अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को ठंडे पानी वाले गिलास में डालूंगा और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दाईं ओर रखे गर्म पानी के गिलास में डालूंगा। मैं कम से कम 2 मिनट तक अपनी उंगली को इसी तरह से दोनों गिलास में डालकर रखूंगा। इसके बाद मैं अपनी इन दोनों उंगलियों को इन गिलासों से निकालकर एक साथ बीच वाले गर्म पानी के गिलास में डाल देता हूँ। ऐसा करने पर मुझे अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में यह प्रतीत हो रहा है जैसे बीच वाले गिलास का पानी गर्म है, लेकिन दाहिने हाथ की उंगली से प्रतीत होता है जैसे बीच वाले गिलास का पानी ठंडा है। यानी इस प्रकार ऊष्मा या गर्मी का अनुभव करने के मामले में, किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का अनुभव करने के मामले में हमारे संवेदी अंग पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हैं। आइए इस अनुभव की तुलना हम उन चित्रों से करें जिन्हें हमने शुरू में देखा था। यहाँ ऊपर नीला बिंदु ठंडे पानी वाले हाथ को दर्शा रहा है और लाल बिंदु गर्म पानी वाले हाथ को दर्शा रहा है। अब यदि हम इस चित्र को देखें तो इसमें कमरे में बहुत कम रोशनी है, इसलिए इस कमरे का प्रकाश स्रोत या बल्ब हमें अधिक चमकता हुआ दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बाएं हाथ की उंगली जो पहले ठंडे पानी में थी उससे हमें प्रतीत होता है कि बीच वाले गिलास का पानी गर्म है। और यदि हम इस चित्र को देखें जहां कमरे में पर्याप्त प्रकाश है क्योंकि बाहर से पर्याप्त रोशनी आ रही है, इसलिए यहां प्रकाश स्रोत या बल्ब हमें कम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दाएं हाथ की उंगली जो पहले गर्म पानी में थी उससे हमें प्रतीत होता है कि बीच वाले गिलास का पानी ठंडा है। तो इससे पता चलता है कि हम अपने संवेदी अंगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब यदि ऐसा है तो फिर हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? क्या इसे पता करने का हमारे पास कोई तरीका है? इसे जानने से पहले
आप सोचिए कि जब आपको बुखार महसूस होता है तब आप कैसे पता करते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने थर्मामीटर का उपयोग जरूर किया होगा, है ना। हम इसका उपयोग अपने शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी की सटीक माप को एक भौतिक राशि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जिसे तापमान कहते हैं, और इस तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मेरे पास जो ये थर्मामीटर है इसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस थर्मामीटर पर हम कुछ चिन्ह देख सकते हैं जो 35 से शुरू होकर 42 तक जाते हैं। ये चिन्ह डिग्री सेल्सियस को दर्शाते हैं जो कि तापमान की इकाई होती है। इसलिए यहाँ हम जो संख्या 35, 36, 37 ये संख्याएं जो देख रहे हैं ये डिग्री सेल्सियस को दर्शाती हैं। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस क्लिनिकल थर्मामीटर से हम एक निश्चित सीमा से अधिक तापमान को नहीं माप सकते हैं। यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसलिए प्रयोगशाला के उद्देश्यों के लिए एक अलग थर्मामीटर होता है जिससे तापमान के व्यापक परास को मापा जा सकता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर लगभग 0 डिग्री से शुरू होता है और लगभग 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ मेरे पास एक प्रयोगशाला थर्मामीटर है जिसे आप देख सकते हैं, यह लगभग 0 डिग्री से शुरू होकर 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो चलिए अब हम थर्मामीटर से इन गिलासों के पानी का तापमान मापते हैं, और इसके लिए हम इस थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। यह एक डिजिटल थर्मामीटर है जिसमें हम डिजिटल रूप से रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। थर्मामीटर से तापमान माप कर हम सटीक रूप से यह बता सकते हैं कि वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो सबसे पहले हम उस गिलास के पानी का तापमान मापेंगे जिसमें ठंडा पानी है। जब डिजिटल थर्मामीटर में रीडिंग बदलना बंद हो जाएगी तो वही पानी का तापमान होगा। तो हम देख सकते हैं कि पानी का तापमान लगभग 15.5 डिग्री सेल्सियस है। आइए अब गर्म पानी का तापमान मापते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका तापमान लगभग 44.3 डिग्री सेल्सियस है। अब हम बीच के ग्लास में रखे साधारण पानी का तापमान भी माप लेते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पानी का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि किसी वस्तु की ठंडक या गर्माहट को, जिसे तापमान कहा जाता है, उसे सटीक रूप से मापने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। तापमान को ज्ञात करने के लिए हम अपने संवेदी अंगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं।